देखिए मैं तो टिकट लेके वेट कर रहा हूँ, और ये देखिए कितना मस्त लग रहा है एकदम। मेरा नंबर आएगा तो मैं भी बैठ ही जाऊंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने कल वाले व्लॉग में देखा कि मम्मी आ गई है, तो आज से तो मतलब एकदम रिलैक्स लग रहा है, क्योंकि चाय नाश्ता हर एक चीज खाना कि आप लोग तो देख ही रहे थे कंटिन्यू। मतलब मुझे काम पड़ रहा था, इतने दूर से थक के आने के बाद भी काम पड़ रहा था। तो अभी मैं मस्त वाला फ्रेश हो गया हूँ, और चलिए फिर अब कर लेते हैं चाय नाश्ता। और मम्मी जब भी गाँव जाती है या मैं भी जाता हूँ, तो पक्का गाँव वाला नमकीन लेके ही आती है, क्योंकि मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वहाँ का नमकीन। तो चलिए गाइस नाश्ता करते हैं। देखिए गाइस, गाँव वाली नमकीन, और थोड़ा सा तो मैंने खा भी लिया, और इसके साथ में चाय। तो चलिए नमकीन और चाय खाते हैं। चाय भी आ गया, तो चाय और नमकीन। तो चलिए मस्त वाला एकदम नाश्ता कर लेते हैं। इतना अच्छा लग रहा है ना, एकदम रिलैक्स लग रहा है कि चलो अब से मतलब कुछ करना नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो मैं मम्मी के साथ हेल्प करा ही देता हूँ, पर एक था ना कि मतलब सुबह से लेकर रात तक काम करना पड़ता था, और पापा को भी आने के बाद काम करना पड़ता था। तो वो सारी चीज़ें आज से बंद हो गई, तो अभी टाइम टू टाइम खाना नाश्ता हर एक चीज़ मिलेगा। एंड गाइज, मेरा तो एकदम मस्त में खावा के हो गया, मतलब मजा आ गया एकदम। वो गांव के नमकीन का टेस्ट ही एकदम अलग सा आता है। एंड गाइज, मैंने तो नाश्ता भी कर लिया, और पापा सुबह टिफिन लेके भी चले गए, और मम्मी तो अभी पूजा कर रही है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एंड गाइज, ये देखिए मम्मी तो आरती कर रही है। तो गाइज, मम्मी का तो पूजा करके हो गया, और मैं आप लोगों को बता दूं कि मतलब मुझसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स लोग भी पूछ रहे थे जिनको नहीं पता है, और बहुत लोगों ने ऐसे पर्सनली भी मैसेज करके पूछा कि आप जहाँ पे वीडियो शूट करते हो आपके मोस्टली वीडियोस में ये वाली फोटो रहती है। तो गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो फोटो है ये मेरे दादाजी हैं, जिनका 23 नवंबर 2013 को ही देहांत हो गया था। बेड के ठीक ऊपर ही गाइज मतलब दादाजी की फोटो रखी गई है, तो मैं मोस्टली बेड पे शूट करता हूँ, या तो फिर जब नीचे बैठता हूँ तो भी शूट करता हूँ। तो इसके वजह से मोस्टली सारे वीडियोस में दादाजी दिख जाते हैं। तो होप सो कि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया, और आप लोग ये चीज जान गए, तो मुझे भी अच्छा लगा, शायद मुझे भी बता देना चाहिए था। बट मैंने सोचा गया इसकी मतलब ऐसे एक एक चीज को मैं कैसे इंट्रोड्यूस कराऊं, पर सामने से पूछा बहुत लोगों ने, तो इसके वजह से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ ये मेरे दादाजी हैं गाइस। एंड गाइस, मैं वेट कर रहा हूँ शाम होने का, क्योंकि आज लगा है घर के पास में मेला, और मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है कि कब शाम हो जाए। वैसे बहुत दूर तो नहीं है, पर 5 से 7 मिनट स्कूटी से लगेगा, और बाय वॉक जाएंगे तो 15-20 मिनट। तो मैंने सोचा कि स्कूटी से ही चलते हैं, मतलब फटाफट पहुंच जाऊंगा वहां का, मतलब ढेर सारा शूट भी ले लूंगा ना। तो वेट कर रहा हूं गाइस कि जल्दी से शाम हो जाए, और उसके बाद फिर चलते। और आप लोगों को मैं बता दूं कि मतलब मैं बेड पे खड़े होके रिकॉर्ड कर रहा हूं, और शायद से आप लोग पर्दे से देख भी पाते होंगे कि मतलब पर्दा उस साइड नीचे दिख रहा है, तो मैं बेड पे खड़े होके दिख रहा हूं, क्योंकि अगर नीचे से मैं लेता तो फिर मतलब ऐसे ही होता कि मतलब दादाजी की फोटो ऊपर दिखती, तो इसकी वजह से मैं खड़े होके प्रॉपरली आपको बता दे रहा हूँ गाइस। तो गाइस, वेट करते करते कब से भूख लग गई है, और आप लोगों को मैं बता दूं कि मतलब मम्मी ने गांव से मेरे लिए क्या लाया है। एक्चुअली गांव में एक स्वीट होता है, मतलब मिठाई जैसा, उसको लौंगलता कहते हैं, और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मम्मी ने लेके आई थी वो, और वो फ्रिज में रखा हुआ था, तो मुझे भूख लगा तो मम्मी ने बोला वो खाने के लिए। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक्चुअली कि वो होता क्या। ये देखिए कुछ इस तरह का होता है, और ये मिठाई मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन इतनी बड़ी मिठाई है पर 10-15 रुपए की आती है, पर बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो चले गए इसको खा लेता हूँ। तो गाइज, फाइनली लौंगलता खा लिया है, तो अब चलिए चलते हैं, मतलब पेट्रोल डाल के आ जाता हूँ, और ताकि मतलब फिर शाम को डायरेक्टली मेला देखने के लिए जब निकलूँ तो फिर मतलब डायरेक्टली पेट्रोल वगैरह सब रहे गाड़ी में। चलिए चलते हैं फटाफट पेट्रोल पंप पास में ही है, तो फटाफट से पेट्रोल डाल लेते हैं फिर चलते हैं। तो गाइस, पेट्रोल डाल लिया, अब चलते हैं बाजू में ही हवा भराना है, तो हवा भरा लेते हैं, और एकदम मस्त सा खाली मिल गया, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी होगी हवा। और ये देखिए हवा के लिए भी पूरा खाली है, एक ही जन है, तो चलिए हवा भरा लेते पहले। गाइस फाइनली हवा भी भरा ली है, अब चलते हैं। एंड गाइस फाइनली पेट्रोल डाल के आ गए हो घर पे, और 5:30 बज गए, तो 1-1.5 घंटा और है, 1-1.5 घंटे में शाम हो जाएगा, बाद चलते हैं आराम से मस्त मेला देखेंगे।
गाइस फाइनली वेट करते करते शाम तो हो ही गया और मम्मी बना रही है मस्त वाले एकदम। चलो आप लोगों को दिखाई देता हूँ, मैं बताऊंगा तो क्या ही मजा आएगा, वैसे तो देख ही लोगे आप लोग। देखिए मम्मी के आने के बाद मज़ा चालू हो गया। मम्मी बना रही है गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े। क्या मम्मी मजा आ रहा है? तो गाइज आप लोगों ने देखा और आप लोग देख भी सकते हो, मतलब अंधेरा हो गया है तो शाम हो गया और मम्मी बना रही है प्याज के पकोड़े एकदम मस्त वाला। तो चलिए उसी को खा लेता हूँ और फिर खाने के बाद चलते हैं मस्त में एकदम मेला घूमते हैं। वाला आ चुका है ये देखिए प्याज के पकोड़े और चटनी, तो चलिए इसको खाते और खाने के बाद फिर फटाफट थोड़ा सा मैं फ्रेश हो जाता हूँ, मतलब मुँह धो के एकदम, फिर चलते हैं मस्त में एकदम मेला घूमने के लिए। तो गाइज फाइनली खा लिया और मज़ा आ गया, तो चलिए अब चलते हैं। कब से ही वेट कर रहे थे शाम होने का और शाम हो गया, तो चलिए चलते हैं मस्त में मेला घूमते। मैं आ गया हूँ मेले में और आज तो अकेले ही आ गया, मतलब कोई फ्रेंड वगैरह कोई खाली थे नहीं, अकेले ही चलाया। एक्चुअली थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा है यहाँ पे, तो मैं आराम आराम से स्लो स्लो करके आप लोगों को दिखाता हूँ। कुछ लोग तो बहुत खतरनाक तरीके से देख रहे हैं मुझे। और ये देखिए गाइस ढेर सारा राइड एक बारी फिर से। गाइस ये देखिए भीड़ कितनी ढेर सारी है, तो चलिए ऐसे घूमते थोड़ा बहुत देखते हैं मार्केट सॉरी मेला। गाइस ये देखिए स्मोक बिस्किट। भीड़ आप लोग देख ही सकते हो, ये देखिए। चलिए कोई ना कोई राइड पे बैठता हूँ मैं। वहाँ देखिए वहाँ पे भी मस्त वाला राइड एकदम। राइड बंद है अभी तो वेट कर रहे लग रहा है बैठने। अरे देखिए छोटा सा हवाई जहाज नीचे ही। तो गाइस आज भी मतलब जायंट व्हील में ही बैठने का प्लान है, क्योंकि उस दिन भी मतलब मैं बैठा था तो वहाँ पे तो मतलब भाई लोग थे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और यहाँ पे तो अकेले ही चलाया हूँ। पर ठीक है कोई नहीं, अब आया हूँ तो एंजॉय करके ही जाऊँगा। और ये देखिए पीछे कितना मस्त मैं सब एकदम राइड कर रहे हैं और आप लोग लाइन तो देख ही सकते हो। तो लाइन जब फ्री हो जाएगा तो मैंने भी टिकट भी ले लिया है, तो फिर मैं भी बैठूँगा गाइस, फिर आप लोगों से डायरेक्टली राइड पर मिलता हूँ। एक्चुअली कैसा साल में एक दो बार ही देखने के लिए मिलता है मेला, तो इसके वजह से राइड अगर दिख जाता है तो मतलब सोचता हूँ कि मिस ना करूँ, तो इसके वजह से। और जायंट व्हील तो मतलब मज़ा आता है, एकदम ही हाइट पे जाता है ना। तो चलिए देखते हैं कब तक फ्री हो जाता है, फिर चलते हैं मस्त में एकदम। देखिए मैंने तो टिकट लेके वेट कर रहा हूँ और ये देखिए कितना मस्त लग रहा है एकदम, और स्लो हो रहा है इसका मतलब सब उतरने वाले हैं। अभी तो है थोड़ा बहुत लाइन, जब मेरा नंबर आएगा तो मैं भी बैठ ही जाऊँगा। और ये देखिए कितना मतलब हाइट पे जा रहा है, कैसे बैलेंस सच में कितना मतलब मज़ा ही आ जा रहा है देख के। तो ये देखिए अभी तो लोग लाइन में खड़े हैं। एंड गाइस फाइनली वेट खत्म। ये देखिए एक एक करके उतर रहे हैं, होप्स हो कि लाइन में बैठने के लिए मिल जाए मुझे, एक एक करके बिठाते हुए। गाइस फाइनली बैठने के लिए मिल गया और यहाँ पे तो सर सिर्फ मतलब एक पे दो ही लोग को बिठा रहे हैं, मैं इस बार यहाँ पे एकदम ही सिंगल बैठा हूँ। अरे देखिए राइड स्टार्ट भी हो गया। गाइस स्टार्ट हो गया है, देख सकते हो आप लोग। Thank you.
गाइस हाइट की कोई लिमिट नहीं है, देखिए अद्भुत। एकदम टाइट से पकड़ के रखा है मैंने। फाइनली राइड तो रुक गया, अब उतरना पड़ेगा। बहुत ज्यादा मजा आया, चलिए अब उतरते। 60 रुपए में इतना ही। तो गाइस आप लोगों ने देखा ही, काफी मजा आया। गाइस अब चलते घर पे, यहाँ से फटाफट आप लोगों से मिलते हैं घर पे। तो गाइस फाइनली आ गए हो घर पे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मेले का वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो गाइस मैं करता हूँ अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूले, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और इसी तरह का अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बाय। गाइस इस मेले का लोकेशन एरोली सेक्टर 16 दत्ता मेघे वर्ल्ड एकेडमी कॉलेज ग्राउंड के अंदर है गाइस।